प्रिंस, मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सुन्ने। आज अपना सी सी एन ए के स्टडी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए मैं आपके सामने एक डायग्राम ओपन करके दिखा रहा हूँ। पिछली बार हमने इस पर्टिकुलर डायग्राम के ऊपर ऑटोमेटिकली किस तरह से कॉन्फिगर करते हैं वो हमने देखा था। आज हम इसी डायग्राम को मैन्युअली कॉन्फिगर करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरे इस डायग्राम के ऊपर जितने जितने लेबल्स से आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मुंबई मुंबई राउटर पे दो नेटवर्क है, एक फास्ट इथरनेट 0/0 पे कनेक्टेड, दूसरा फास्ट इथरनेट 0/1 पे कनेक्टेड। रिस्पेक्टिवली मुंबई का जो 0/0 से कनेक्टेड नेटवर्क है वो /8 से कॉन्फिगर है और 0/1 का जो नेटवर्क है वो /9 से कनेक्टेड है। उसी तरह से मैंने थाना से रिलेटेड दो नेटवर्क, उनसे नीचे रिलेटेड उनकी इन्फॉर्मेशन और राउटर टू राउटर कनेक्ट करते वक्त जो नेटवर्क यूज़ हुआ है उसका नेटवर्क आईडी, सबनेट मास्क, ब्रॉडकास्ट एड्रेस और साथ ही साथ कौन से पोर्ट पे कौन सा आईपी देना है ये भी हमने प्रॉपरली लेबल करके देखा हुआ है। देन आगे इस लेबल में आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे DTC और DTE के कंसेप्ट कुछ आ रहे हैं, मतलब डेटा टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट और डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जिसमें से DCE का मतलब होता है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जहाँ पे हम नॉर्मली क्लॉक रेट सेट करते हैं। ज़्यादातर नेटवर्क इंजीनियर्स हमेशा अपने डायग्राम्स के ऊपर फॉलो करके उसे कॉन्फिगर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपके सामने इस तरह की कमांड लाइन व्यू आती है, तो आपको जो कुछ भी करना है वाया यूजिंग कमांड लाइन ही करना है। तो आज हम वही देखेंगे कि आप अपने सिनेरियो को किस तरह से कमांड लाइन के साथ कॉन्फिगर करते हो, और साथ ही साथ हम कुछ बेसिक्स कमांड्स भी देखेंगे जिसके वजह से आपका वो डे टू डे एडमिन का टास्क, चाहे वो राउटर हो या स्विचेस, किसी को भी मैनेज करने का विद द हेल्प ऑफ कमांड ईजियर हो जाए। तो ज़्यादा वक्त ना गुजारते हुए मैं अपने प्रैक्टिकल को शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने इस मुंबई राउटर पर कॉन्फिगर करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो, इस मुंबई के पास दो नेटवर्क है, एक /8 वाला, एक /9 वाला। साथ ही साथ उसके इस पर्टिकुलर पोर्ट पे मुझे एक 172.255.192.13 का आईपी देना है, जिसमें से लेबल में हमने शुरू में DCE करके रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो कनेक्टेड केबल है वो हमारी डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की तरह काम कर रही है। अगर यही सब मुझे इन्फॉर्मेशन अपने कमांड लाइन के थ्रू देख रही तो वो कैसे देख सकते हैं। तो चले इस राउटर पे चले गए। राउटर पे इस सीरा एक मोड पे आने के बाद सबसे पहले मैं इस राउटर पे एनेबल ए कमांड टाइप करूँगा। मुझे पता चल रहा है इस पर्टिकुलर राउटर को किसी भी तरह का नाम असाइन नहीं है, तो अब मुझे इस पर्टिकुलर राउटर को नाम देना है। नाम देने के लिए मुझे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे कमांड टाइप करने पर भी होस्ट नेम करके ये कमांड है। होस्ट नेम कमांड देने के बाद आपका जो कुछ भी नाम आप उस पर्टिकुलर डिवाइस को देना चाहते हो आप मेंशन कीजिए। जैसे कि मैं फिलहाल यहाँ पे देना चाहता हूँ मुंबई का राउटर है इसलिए MUM, अगर यही मेरा थाना का राउटर होता तो मैं नाम देता TNA और कल्याण का होता तो KYN। तो रिस्पेक्ट टू द डिवाइस आप उसको नाम मेंशन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप देखोगे मैंने इस डायग्राम में लेबल दे के रखे हैं, इस लेबल का फ़ायदा आपको ऊपर इस मेन्यू को एक्सेस करने में होगा। तो ऊपर नाम नज़र आ रहा है MUM, तो यही नाम मैं यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ। एंटर देने के बाद इमीडिएटली यू कैन सी शुरू में इसका नाम था राउटर, अभी इसका नाम आ गया है MUM। क्लियर। अब मुझे इसे एग्जिट करके बाहर आना है। फिर से मैं अपने प्रिविलेज मोड पर आ गया। यहाँ पर मैं एक कमांड रन करने वाला हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये वो कमांड है जो आपको आपके कनेक्टेड इंटरफेस के बारे में जानकारी देती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एंटर कर दूँ, एंटर करने से मुझे पता चला कि इस पर्टिकुलर राउटर के पास दो फास्ट इथरनेट के पोर्ट्स अवेलेबल है और दो फास्ट इथरनेट जीरो एक माफ कीजिए एक फास्ट इथरनेट 0/0 का पोर्ट अवेलेबल है और दूसरा फास्ट इथरनेट 0/1, साथ ही साथ दो सीरियल पोर्ट्स अवेलेबल है, उसमें से एक है 0/0 और दूसरा है 0/1, जो रिस्पेक्टिवली पर्टिकुलर केबल के थ्रू किसी ना किसी डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। ओके, सुनाओ, अब मुझे देखना है अकॉर्डिंग टू माय सिनेरियो कौन सी केबल कहाँ पे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फास्ट इथरनेट 0/0 जो है वो मेरे मुंबई 1 के नेटवर्क से कनेक्टेड है, जिसकी /value 8। अब मुझे उन पर्टिकुलर इंटरफेस को आईपी दे है। आईपी देने के लिए फिर से मुझे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे सबसे पहले इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 ये कमांड रन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे फास्ट इथरनेट 0/1 को कॉन्फ़िगर किया जाए। एंटर देने के बाद आप इमीडिएटली देख सकते हो कि यहाँ पे कॉन्फ इफ वाला मोड आ चुका है। कॉन्फ इफ इंडिकेट दैट इज एन इंटरफेस मोड। ओके, अब यहाँ पे मुझे आईपी अडार करके ये कमांड देनी है, इन शॉर्ट आईपी एड्रेस। अगर आप यहाँ पे टैप प्रेस करोगे आपके लिए वो ऑटो कंप्लीट करके देता है।
अब मेरा यह जो फास्ट इथरनेट 0/0 जो कि मुंबई का है वो कनेक्टेड है /8 के नेटवर्क के साथ, जिसमें से लेबल हमने देखे रखा है कि उसका वो आईपी जो होना चाहिए फर्स्ट वैलिड होस्ट वो होगा 171.0.0.1, जिसका सबनेट मास्क क्या है 255000। तो वही इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मेंशन करनी है 171.0.0.1 और 255 यहाँ पे 171, माफ़ कीजिए थोड़ी सी गलती हो गई थी, 0.0.1.255.0.0.0। अगर मैं यहाँ पे स्पेस देने के बाद क्वेश्चन मार्क देता हूँ तो मेरे सामने ये CR आ गया। दिस CR इंडिकेट कि मेरी ये कमांड कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं एंटर दूंगा, उसके बाद में मुझे उस पर्टिकुलर पोर्ट को अप करना है। तो पर्टिकुलर पोर्ट को अप करने के लिए यहाँ पे आपको नो शट डाउन करके कमांड देनी पड़ेगी। नाउ ऑब्जर्व कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे अपने कीबोर्ड के ऊपर एंटर प्रेस करूँगा, इमीडिएटली फास्ट इथरनेट 0/0 का जो पोर्ट है वो ग्रीन होना चाहिए। लेट्स सी, हुआ, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे ये पोर्ट ग्रीन हो चुका है। अब मुझे इस फास्ट इथरनेट 0/0 से बाहर निकलना है, तो अगर मैं बाहर निकलना चाहता हूँ यहाँ पे एग्जिट प्रेस करूँगा, एंटर। उसी तरह से मुझे अपने फास्ट इथरनेट 0/1 को भी कॉन्फिगर करना है, जिसका आईपी ये होगा और जिसका सबनेट मास्क ये होगा। तो क्विकली मैं उसे भी कर देता हूँ। सो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 पे मैं चला गया, जिस पे आईपी एड्रेस ये कमांड टाइप करने के बाद इसका जो एड्रेस है वो है 172.0.0.1, जिसका सबनेट मास्क है 255.128.0.0। आप इस डायग्राम में देख सकते हो मैंने इस यहाँ पे अच्छी तरीके से ऊपर लेबल करके रखा है। देन उस पोर्ट को अप करने के लिए नो शट डाउन करके आप ये कमांड रन कर सकते हो। तो मेरा वो भी पोर्ट अप हो चुका है। अब यहाँ पे मैं अगर अपने प्रिविलेज मोड पे जाना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा। तो जैसे मैंने कंट्रोल जेड प्रेस किया मैं अपने प्रिविलेज मोड पे आ गया हूँ, और यहाँ पे मैं जो अपनी प्रीवियस वाली कमांड रन करूँ जो कि है वो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, नाउ यू कैन सी मेरे फास्ट इथरनेट 0/0 और फास्ट इथरनेट 0/1 को आईपीज असाइन हो चुके हैं, जिनका मैन्युअली दिया गया है और उनका स्टेटस भी अप है। अब मेरे पास दो सीरियल के पोर्ट्स है, एक 0/0 और 0/1, जिसमें से किसी ना किसी एक पोर्ट पे कोई ना कोई तो भी केबल कनेक्टेड है। तो वो कैसे चेक करें, तो मैं आपको यहाँ पे शो कंट्रोलर करके कमांड दिखाने वाला हूँ। शो कंट्रोलर कमांड सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सिंक पोर्ट पे ही चलती है। एक्सिंक पोर्ट मतलब वो पोर्ट जहाँ पे आप राउटर टू राउटर कनेक्ट करवाते हैं। अगेन एक्सिंक पोर्ट ये वही पोर्ट होता है जहाँ पे आप राउटर टू राउटर कनेक्ट करवाते हो, या उसे हम अलग तरीके से वैन इंटरफेस भी कह सकते हैं। आपके लोकल इंटरफेस मतलब आपके फास्ट इथरनेट 0/0 गीगाबिट इथरनेट या फिर इथरनेट, इन पे ये कमांड काम नहीं करती। तो इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ वैन इंटरफेस ही चाहिए जो राउटर टू राउटर कनेक्ट हो। तो मेरे इस केस में राउटर टू राउटर कनेक्ट करने के लिए ये जो केबल यूज़ की गई ना, जिसमें से DTC कौन सी और DTE कौन सी है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। तो अभी मैं उसी को कमांड लाइन के थ्रू चेकआउट करने वाला हूँ। तो उसके लिए कमांड है शो कंट्रोलर्स करके। तो शो कंट्रोलर्स करने के बाद आप सिर्फ उस पर्टिकुलर इंटरफेस का नंबर दीजिए। मैं चाहता हूँ शुरू में 0/1 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चेक की जाए। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया शो कंट्रोलर सीरियल 0/1, एंटर देने के बाद मेरे सामने कुछ इन्फॉर्मेशन डंप हुई है, जिसमें से ये थी वो मेरी कमांड। कमांड के बाद वो मुझे कह रहा कि आपका इंटरफेस ये सीरियल 0/1, उसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया गया है। पॉइंट क्या कहता है, नो सीरियल केबल इज अटैच। इसका मतलब मेरे सीरियल 0/1 पे किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं है। क्विकली मैं इसे क्यू प्रेस करके बाहर आ गया। अब मैं यहाँ पे अप एरो प्रेस करने के बाद सीरियल 0/0 पे चेक करने वाला हूँ कि कुछ है या नहीं फिजिकली कनेक्टेड। तो एंटर देने के बाद यू कैन सी अब मेरा इंटरफेस सीरियल 0/0 है, जिसमें से जो केबल यहाँ पे कनेक्टेड है वो क्या कह रही है, इसे DCE। जब भी हम DCE की बात करते हैं मतलब डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इसका मतलब हम वहाँ पे क्लॉक रेट सेट करते हैं। तो मुझे अपने इस डायग्राम के अंदर सीरियल 0/0 को ही क्लॉक रेट देनी है। इज दैट क्लियर? नाउ उसी की इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से लेबल करके रखी। मैंने शुरू में कहा था कि ये आपका एक तरह का टोपोलॉजी व्यू है, लॉजिकल व्यू है। आप चाहे तो इस तरह का व्यू डिज़ाइन करके रख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर आपका काम इस कमांड लाइन
वाले टर्मिनल पे होता है। तो मेक श्योर कि आप कमांड लाइन से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने लिए निकाल सको। तो मेरा आज का जो फोकस है वो उसी के ऊपर है। इज दैट क्लियर? सुनो, अब तो मुझे पता चल चुका है कि मेरे सीरियल 0/0 को ही मुझे यहाँ पे क्लॉक रेट सेट करना है। अब मुझे उसे कॉन्फिगर करना है। कॉन्फिगरेशन टर्मिनल पे जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंटरफेस सीरियल 0/0 देन आईपी एड्रेस। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये कमांड कुछ वैसी है जो हमने फास्ट इथरनेट पे यूज़ की थी, सिर्फ क्या होगा यहाँ पे आईपी और सबनेट मास्क चेंज होगा। तो मुझे सीरियल 0/0 को जो आईपी देना है वो यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है, जो है मेरा 172.255.192.30, जिसका सबनेट मास्क से 255.252। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 255.252। स्पेस देने के बाद अगर फिर से यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क प्रेस करता हूँ, सो यू कैन सी कि यहाँ पे CR आ चुका है, मतलब मेरी ये भी कमांड कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे नो शट करके उस पर्टिकुलर पोर्ट को अप करना है। नाउ मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप नो शट करके कमांड रन करते हो तो ये पर्टिकुलर पोर्ट ग्रीन होना चाहिए, लेकिन ये ग्रीन नहीं होगा। रीज़न क्या है कि जब तक इसके सामने कनेक्टेड पोर्ट जो कि मेरा थाना का है वो अप नहीं होता, तब तक ये अपने आप को ऑन नहीं करेगा, इन द शॉर्ट ग्रीन नहीं दिखाएगा। ओके तो यहाँ पे मैंने नो शट करके उसको अप तो कर दिया है। अब जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे DCE था, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इसके लिए मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कमांड रन करनी पड़ेगी जो है क्लॉक रेट वाली कमांड। सो क्लॉक रेट ये कमांड क्या करेगी, दो राउटर के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है ना तो उनकी स्पीड उनकी फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए आपको क्लॉक रेट सेट करना ज़रूरी है। नाउ क्लॉक रेट का रेशियो क्या हो सकता है या फिर क्लॉक रेट की सेटिंग क्या हो सकती है, आप इसे देखने के लिए यहाँ पे क्लॉक रेट आगे क्वेश्चन मार्क दे सकते हो। तो देखिए मुझे जो स्टेटस मिला है वो है बीट पर सेकंड्स का, जिसमें से 64000 ये आपकी मिनिमम स्पीड होती है कम्युनिकेशन की। ओके आपके कंपनी में ये स्पीड ज़्यादा भी हो सकती है, तो डिपेंड्स आपने इंटरनेट कनेक्शन कौन से फॉर्म में लिया है, कितना स्ट्रांग है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको ये वैल्यू कम ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन ज़्यादातर जितने भी डिवाइसेस है वो 64000 पे काम करते ही है, तो मैं भी उसी को ही चूज़ करने वाला हूँ। ओके अगेन आपके कंपनी के हिसाब से ये कम ज़्यादा हो सकती है। एंटर देने के बाद एग्जिट करके बाहर आ गया, फिर से एग्जिट करके हम बाहर आ जाएंगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके अगर मैं देखूँ तो मेरे उस पर्टिकुलर पोर्ट को भी आईपी आ चुका है। अब मुझे इस इन्फॉर्मेशन को सेव करना है। इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली सेव करने के लिए यहाँ पे मुझे कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप, ओके कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ये कमांड रन करनी ज़रूरी है। एंटर एंटर, इससे क्या होगा, हमने जो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन किया है वो परमानेंटली एनवी रैम के अंदर स्टोर हो जाएगा। एग्जिट करके हम बाहर आ गए। अभी सेम सेटिंग उसी तरह से मैं अपने इस थाना राउटर पे करने वाला हूँ। तो चलिए थाना राउटर पे आ गए। देखिए जैसे कि आप ग्राफिकली देख रहे हो, थाना के पास दो सीरियल के पोर्ट से, दो फास्टर के पोर्ट से, जिसमें से दोनों ही सीरियल पे केबल तो मुझे दिख रही है कनेक्टेड, बस वही इन्फॉर्मेशन मुझे किस फॉर्म में लेनी है, कमांड लाइन के थ्रू में। तो यहाँ पे मैं वही कमांड रिपीट करने वाला हूँ जो हमने मुंबई पे रिपीट किए, बट उनके नेटवर्क्स वगैरह चेंज हो गए। सबसे पहले एनेबल किया, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाने के बाद मुझे उसको क्या करना है, होस्ट नेम देना है। अभी होस्ट नेम आएगा मेरा TNA, बिकॉज मैं थाना राउटर पे हूँ, यहाँ पे आप लेबल देख सकते हो। एग्जिट करके मैं फिर से बाहर आ गया, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके मैंने कमांड टाइप की, सो आई कैन सी देयर आर टू फास्टर इथरनेट एंड टू सीरियल पोर्ट्स। नाउ कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे फिर से इंटरफेस फास्टर इथरनेट 0/0 आईपी एडआर, यहाँ पे फर्स्ट इथरनेट 0/0 पे जो आईपी है वो है 172.128.0.1, जिसमें से उसका सबनेट मास्क नीचे हमने दिया है वो है 255.192.0.0। ओके एक बार हम चेक कर लेते हैं, आईपी बिल्कुल सही है, सबनेट मास्क बिल्कुल सही है। देखिए जब आप भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना तो मेक श्योर कि आप उसे चेक और रीचेक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपने गलत कॉन्फ़िगरेशन कर दिया तो आपको फिर से वो सेटिंग्स को मैन्युअली देखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि आप शुरुआत में ही कॉन्फ़िगर करते वक्त ही उसे अच्छी तरह से चेकआउट कर लीजिए, ताकि आपका आगे का कॉन्फ़िगरेशन आसान हो जाए। तो यहाँ पे नो शट करके मैंने उसे अप कर दिया। एग्जिट करके हम बाहर आ गए,
अभी मुझे इंटरफेस फास्ट रेसेंट 0/1 के अंदर जाना है। यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस ये कमांड टाइप करूँगा, इसका जो आईपी है वो है 172.248.248.0.1 और सबनेट मास्क है 255.252.0.0। एंटर, नो शट करके इसे भी हमने अप कर दिया। अब मुझे सीरियल को कॉन्फ़िगर करना है। सीरियल को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा ताकि मैं अपने प्रिविलेज मोड पे आ जाऊँ। फिर से मैं यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ वाली कमांड चेक करने वाला हूँ, जिससे कि मुझे पता चला कि यहाँ पे दो सीरियल के पोर्ट से, लेकिन कौन से सीरियल के पोर्ट पे कौन सी केबल कनेक्टेड है ये मुझे पता नहीं है। तो अगर कमांड लाइन से आप देखना चाहते हो तो आपको कौन सी कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, हाँ शो कंट्रोलर वाली। तो यहाँ पे मैं शो कंट्रोलर्स करके कमांड रन कर रहा हूँ। सबसे पहले सीरियल 0/0 पे चेक करेंगे। एंटर देने पे मुझे पता चल रहा है कि मेरा ये जो सीरियल 0/0 है इसके ऊपर DTE कनेक्टेड है। DTE स्टैंड फॉर डेटा टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट, जहाँ पे क्लॉक रेट नॉट डेडिकेटेड और नॉट डिटेक्टेड। यहाँ पे आपको क्लॉक रेट देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्लियर। देन सीरियल 0/1 पे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे DCE है, इसका मतलब मेरे इस राउटर के सीरियल 0/1 पे मुझे क्लॉक रेट सेट करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे DCE है, और सीरियल 0/0 पे क्लॉक रेट नहीं देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे DTE है। इज दैट क्लियर? तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे आ गए। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे आने के बाद इंटरफेस सीरियल 0/0, अगेन सीरियल 0/0 पे हमारा DTE था, इसका मतलब मुझे वहाँ पे क्लॉक रेट नहीं देनी है। सो इंटरफेस के आने के बाद आईपी एड्रेस, ये रहा उसका आईपी जो है 172.255.192.14.255.255.255.252। उसका हमने ये सबनेट मास्क भी लिख दिया है। अब यहाँ पे मुझे नो शट करके उस पर्टिकुलर पोर्ट को अप कर देना है। यू कैन सी पोर्ट ग्रीन हो चुका। क्यों ग्रीन हुआ? क्योंकि इसके सामने वाला जो था ना मुंबई का पोर्ट, वो हमने ऑलरेडी अप करके रखा है। अब मैं सीरियल 0/1 को अप करने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये अप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इसके सामने वाला बंद है। जब हम कल्याण को अप करेंगे तब वो अपने आप को ग्रीन बताएगा, और साथ ही साथ मेरे सीरियल 0/1 पे ही क्लॉक रेट सेट करनी है। तो यहाँ पे मैं इस कमांड को टाइप करने के बाद एग्जिट करके बाहर आ गया। फिर से इंटरफेस सीरियल 0/1 के अंदर मुझे जाना है। एंटर देने के बाद आईपी एड्रेस जो कि हमारी कमांड है, और हम देख लेते हैं उसका आईपी क्या है। हमारे सिनेरियो में उसको हमने 192.9 का ये आईपी सेट किया है। सो 172.255.192.9 सबमिट मास अगेन सेम 255.255.252। नो शट करके इसे हमने अप कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे DCE है, इसके लिए क्लॉक रेट 64123000। एंटर देने के बाद कंट्रोल जेड करके बाहर आ जाइए। शो इंटरफेस ब्रीफ करके आप इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो, और हो सके तो आप यहाँ पे कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप रन कर दिए ताकि आपका कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाए। इसी तरह से आपको आगे के राउटर्स की तरफ मूव होना है। आपको शो कंट्रोलर करके चेक करना है कि कौन से सीरियल पोर्ट पे DTC है, DTE है, और बाकी की कमांड आपने अभी अभी देख ली है। तो मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनने। आने वाले वीडियोस के लिए हम ज़रूर मिलेंगे हमारे YouTube चैनल के ऊपर। स्टिल देन